इमरान बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, और आज इकबाल मेमन ऑफिसर के बर्थडे पर क्या? इमरान गुजराती प्रेसिडेंट ब्रदरहुड फाउंडेशन और घाची जमात की तरफ से इकबाल मेमन ऑफिसर साहब को, इकबाल अंकल को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। यह ऐसी शख्सियत है अल्हम्दुलिल्लाह के किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी हयात ज़िंदगी में 74 इयर्स में बहुत कारनामे अंजाम दिए हैं। उन्हें मेमन रतन तक मिला है, और मेरी तो यही उम्मीद है कि इंशाल्लाह और करते रहे, अल्लाह उनकी उम्र दराज करे, वो कौम के लिए मिल्लत के लिए काम करते रहे और हम उनके साथ जुड़ते रहे, और उनकी मार्गदर्शन में अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी कुछ सीख रहे और हम भी कुछ कर रहे हैं। तो हमारी मुबारकबाद इकबाल अंकल को, और मैं मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा फाउंडेशन स्टोन जो डालने जा रहे 22 सितंबर के कॉलेज के लिए, ये अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ी कामयाबी है एक कौम मुस्लिम के लिए, हमारे वतन के लिए, कि एक डिग्री कॉलेज बनेगी, वहाँ के बच्चे हैं, पूरे हिंदुस्तान के बच्चे वहाँ पढ़ने आएंगे, बड़ी खुशी की बात है। मैं फिर से इकबाल अंकल को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि उनकी मार्गदर्शन में, यहाँ तक के मैं भी उन्हीं से सीखा हूँ, उनसे ही हम लोगों ने सीखा है, आज हम लोग जो भी है, हम लोग एक्टिविटीज कर रहे हैं उन्हीं की उनके साथ रह के ही हमने सीखा है। आज मेरा फाउंडेशन ब्रदरहुड फाउंडेशन, उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है, जो भी एक्टिविटीज रहती है मेरे, यहाँ तक के मेरे गेस्ट आते थे पहले, उन्हीं के वही सिलेक्ट करते थे कि बेटा हम इनको बुलाएंगे और अपन ये फंक्शन करेंगे, यानी हमेशा हमारे साथ खड़े और सपोर्ट है। और मैं अल्लाह उनकी उम्र दराज करे, और मैं दुआएं देता हूँ कि अल्लाह ताला उनसे और काम ले और वो ऑल इंडिया मेमन जमात के ताउम्र तक वही प्रेसिडेंट रहे, ताकि उनसे एक्सपायर हो, यंग जनरेशन भी एक्सपायर होके कुछ काम करती रहे, क्योंकि उन्होंने जो जज्बा दिखाया है, मैं समझता हूँ कि अल्लाह बेहतर जानता है, पर उनसे अच्छा कोई प्रेसिडेंट मिलेगा वो अल्लाह ही बेहतर जाने, पर वो रहेगा तो बहुत कुछ और कुछ मेमन जमात कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया।